पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र के हाथीमारा क्षेत्र में कॉपर के तार चोरी करते पुलिस ने दो चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पावर सब स्टेशन से ये चोरी की जा रही थी, अंधेरे का फायदा उठाकर तीन चार चोर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 5-7 की संख्या में वो धारदार हथियार के साथ हाथीमारा सब स्टेशन में घुस गए और विद्युत कर्मी को बंधक बनाते हुए लाखों की कॉपर तार की चोरी करने लगे। चोरी की भनक पुलिस को मिलते ही टीम गठित कर दी गई, पावर स्टेशन को घेर लिया गया और दो चोरों को धर दबोचा गया है। दोनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद फरक्का थाने के बताए जा रहे हैं। देखिए, बीती रात्रि महेशपुर पुलिस के द्वारा काफ़ी उत्कृष्ट काम किया गया है और एक गैंग था जो खासकर के ट्रांसफार्मर चोरी और विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठान जैसे भूमि विभाग का है या आप जो आईटीआई कॉलेज है, इन जगहों पे ये लोग अटैक करते थे और एक सुनियोजित ढंग से पूरी तैयारी के साथ में आकर के जो टेक्निकल पार्ट्स है, जैसे ट्रांसफार्मर है, उसका क्वाइल है, अंदरूनी जो सामान है, उसको वो खोल के डकैती करके या लूट करके या चोरी करके ले जाते। उसी क्रम में कल रात्रि करीबन 12 बजे के आसपास में मध्यरात्रि में ये घटना घटी है। हाथीमारा जो सेंटर है हमारे सिटी विजिलर में, देखिए बीती रात्रि महेशपुर पुलिस के द्वारा काफ़ी उत्कृष्ट काम किया गया है और एक गैंग था जो खासकर के ट्रांसफार्मर चोरी और विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठान जैसे भूमि विभाग का है या आप जो आईटीआई कॉलेज है, इन जगहों पे ये लोग अटैक करते थे और एक सुनियोजित ढंग से पूरी तैयारी के साथ में आकर के जो टेक्निकल पार्ट्स है, जैसे ट्रांसफार्मर है, उसका क्वाइल है, अंदरूनी जो सामान है, उसको वो खोल के डकैती करके या लूट करके या चोरी करके ले जाते। उसी क्रम में कल रात्रि करीबन 12 बजे के आसपास में मध्यरात्रि में ये घटना घटी है। हाथीमारा जो सेंटर है हमारे सिटी विजिलर में आए हुए हैं, उस जगह पे पूर्व में भी घटना घट चुकी थी, जिस संबंध में महेशपुर थाना में 28-24 कांड दर्ज है। इस बार वो वही टीम, उसी से संबंधित टीम पिकअप वैन लेकर के और बाकी सारा जो सामान आप जो जब्त हुआ है वो आप देख सकते हैं, वो लेकर घुसे थे। उनकी संख्या करीब 5-6 की संख्या में हथियार के जो धारदार हथियार के बल पे वहाँ पर उपस्थित गार्ड को, ऑपरेटर को और गार्ड को रोक लिया था। उनको धारदार हथियार का भय दिखा करके उसके बाद ये लोग ट्रांसफार्मर की खोल करके उसको क्वाइल को लोड करना पड़ा। उसी दौरान महेशपुर की थाना पुलिस, इसमें थाना प्रभारी स्वयं और अनिल कुमार सिंह, अर्धकर्मी सगिन मुर्मू, अनंत रक्षक गिरक्षक पवन और सुभाष शाह, ये सबकी टीम निकली हुई थी जो नियमित गश्ती करती है। इनको सूचना प्राप्त हुई कि कुछ जो हाथीमारा स्थित पावर स्टेशन में कुछ प्रकार के अपराधी घुस करके आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। थाना प्रभारी द्वारा अदम साहस का परिचय देते हुए त्वरित रूप से वहाँ पर इनके द्वारा छापामारी और कार्रवाई की गई, जिसमें रंगे हाथ सीएसपी में दो जो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं, आपने देखा होगा, उनका नाम एक नाम आपको इसमें मिल जाएगा। ये लोग दोनों रहने वाले हैं बंगाल के फरक्का थाना अंतर्गत के रहने वाले हैं और अन्य जो तीन थे वो पुलिस की कार्रवाई के दौरान वो पीछे का जो चार दीवार थे जिसको काट करके वायर थे, वायर को काट उसी रास्ते से पीछे तरफ तीन दिशाओं में भागे हैं, अंधेरे का फायदा उठा करके वो लोग भागने में सफल आ गए। लेकिन उन लोगों का नाम वगैरह पता चल चुका है। अपराधियों के पास से आप देख रहे हैं जो डकैती में और तार काटने में प्रयुक्त जो हथियार का प्रयोग किया जाता है वो
बरामद हुआ है, सीधी बरामद हुआ जो उनको कटीला तार क्रॉस करके वो लोग दूसरी तरफ आते हैं वो सीधी और रस्सी बरामद हुआ है। क्वाइल को लेकर के लोग जा रहे थे या लोड किया था गाड़ियों में, गाड़ी में उनकी गाड़ी बरामद हुई है, डकैती किया हुआ है, सामान की बरामदगी हुई है, उनके पास से मोबाइल की बरामदगी हुई है। तो पूरा का पूरा अभी तक जो महेशपुर और अगल बगल के क्षेत्रों में ये गैंग काम कर रहा था, काफ़ी दिनों से काम कर रहा था, उसका ये उद्भेदन हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इनके जो हम लोग पूछताछ से जो तथ्य सामने आएंगे उसे हम भविष्य में इस गैंग के अन्य सदस्यों को पकड़ेंगे और पूर्व के लूटे हुए जो या पूर्व के डकैती के सामानों की बरामदगी की दिशा में हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। पहले स्टेशन ठीक था, मुस्कुराइए देखिए इधर है।